हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद पूनम में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही टेस्टी रेसिपी चावल के आटे की। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पैन में डालेंगे 2 चम्मच वेजिटेबल ऑयल। ऑयल जब गर्म हो जाए तो इसमें डालेंगे 1 चम्मच साबुत जीरा। जीरा जब चटकने लगे तो उसी के साथ डालेंगे सरसों यानी राई 1/2 चम्मच और कड़ी पत्ता डालेंगे। तो कड़ी पत्ता जब चटकने लगे उसके बाद इसमें ऐड करेंगे ग्रीन चिली, जिसे मैंने बारीक कट करके रखा है, इसे भी मिक्स कर देंगे। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे 2 कप पानी। तो यहाँ मैंने 2 कप पानी डाल दिया है और उसी के साथ इसमें डालेंगे चिली फ्लेक्स। आप चाहें तो लाल मिर्च का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। उसी के साथ डालेंगे 1 चम्मच भुना हुआ जीरे का पाउडर। तो इसके बाद इसमें डालेंगे फ्रेश धनिया की पत्ती। उसी के साथ इसमें जाएगा 1 चम्मच नमक यानी स्वाद अनुसार और इसे मिक्स कर देंगे। आप पानी को बॉईल होने देंगे। तो पानी हमारा बॉईल हो चुका है, तब गैस की फ्लेम को लो करेंगे। इसके बाद इसमें डालेंगे 1 कप चावल का आटा। तो आप एक ही कटोरी से मेजरमेंट करें। तो मैंने यहाँ पे 2 कप पानी में 1 कप चावल का आटा लिया है और इसे मिक्स कर देंगे। गैस की फ्लेम को लो रखेंगे और इसे कंटिन्यू चलाते हुए इसे मिक्स कर लेना है। तो इस तरह से आप इसे अच्छे से मिक्स कर दें ताकि डो हमारा स्मूथ और चिकना हो जाए। तो ये डो हमारा रेडी हो चुका है। तो इसे अब एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इसके बाद गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। तो मैंने यहाँ प्लेट में ऑयल लगा दिया है। उसके बाद डो को 1 चम्मच या फिर हाथों की सहायता से इसे फैला देंगे। तो मैंने यहाँ पे स्क्वायर शेप दिया है और इसे रख देंगे ठंडा होने के लिए। जब ठंडा हो जाए तब इसे कट कर लेंगे। तो डो हमारा ठंडा हो चुका है तो अब इसे कट कर लेंगे। तो आप चाहें तो कोई भी मनपसंद शेप में इसे कट कर सकते हैं। तो मैं इसे चौकोन शेप में कट करूंगी। आप चाहें तो इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं, जब आपका मन करे उस समय इसे बना के खा सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इसे कट कर लिया है। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है ब्रेड क्रम्ब। उसी के साथ मैंने यहाँ पे 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर लिया है। कॉर्नफ्लावर में डालेंगे थोड़ा सा पानी 3 से 4 चम्मच और इसे मिक्स कर देंगे। तो ये हमारा कॉर्नफ्लावर मिक्स हो चुका है। तो इसके बाद एक एक पीसेस को लेंगे और कॉर्नफ्लावर में डिप करेंगे और उसके बाद इसके ऊपर ब्रेड क्रम लगाएंगे। तो इस तरह से हाथों से हल्का सा प्रेस कर दें और इसी तरह से सभी को रेडी कर लेना है। तो मैंने इस तरह से सभी को पहले से रेडी करके रख लिया है। इसके बाद इसे फ्राई कर लेते हैं। तो ऑयल हमारा गर्म हो चुका है तो इसे फ्राई कर लेते हैं। तो गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम रखेंगे और इसे दोनों साइड से पलट के इसे गोल्डन कर लेंगे। तो इसे वापस से पलट देंगे ताकि ये अच्छी तरीके से क्रिस्पी हो जाए। इसे तेज़ आंच पे नहीं फ्राई करना है, नहीं तो ये ऊपर से जल सकता है और अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो ये हमारा फ्राई हो चुका है, बहुत ही अच्छा इसका कलर आया है। तो अब इसे निकाल देंगे और इसी तरह से सभी को फ्राई कर लेना है। तो ये हमारा फ्राई हो चुका है। इसे मैंने ग्रीन चटनी और टमाटर केचप के संग सर्व किया है।
और आपको इसकी रेसिपी कैसी लगी कमेंट ज़रूर करें। और जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब बिल्कुल ही फ्री है।